कई दिनों से इच्छा थी इसका तो देखो कितनी अच्छी और ठंडी मस्त। हेलो एवरीवन, खमंगनी साम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की सुबह की शुरुआत मैंने की है ऊपर से, वैसे तो रोज ही करती हूँ मैं, बट ये कि जब से मैं ना योगा करने लगी हूँ ना, पहले बीच में क्या मैंने छोड़ दिया था, ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई थी ना, तो मुझे नींद ही मतलब इतनी आती थी कि मैं 7 बजे उठती थी, और अब भी वैसे नींद तो आती रहती है बट अलार्म लगा के सोती हूँ, और 6:15 बजे उठ जाती हूँ योगा करने के लिए, और छत पे आके एक दो योगा कर लेती हूँ, और धूप आती है थोड़ी बहुत धूप में भी बैठ जाती हूँ। अच्छा रहता है धूप में बैठना, जो सुबह की पहली सुबह होती है मतलब धूप आती है ना, बहुत अच्छी होती है। आज तो क्या है, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो आज तो धूप तो निकल ही नहीं रही बिल्कुल भी। कम से कम मैं मतलब आधा घंटा रुकती हूँ यहाँ पे छत पे आराम से, थोड़ा बहुत 5-5 मिनट वाले योगा कर लेती हूँ, धूप में बैठ जाती हूँ 5-10 मिनट और थोड़ा घूम लेती हूँ तो हो जाता है, आधा घंटा हो ही जाता है, ज़्यादा नहीं होता। आज तो क्या मौसम अच्छा है तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है टाइम, बाकी रोज़ तो क्या है कि धूप आई भी रहती है ना तो गर्मी सी रहती है, तो ऊपर तो जी घबराने लग जाता है, इसलिए आज बहुत शानदार हवा चल रही है, बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम है, और रात को भी इतनी अच्छी नींद आ गई। नहीं तो क्या, कूलर में इतनी उमस, पहले तो शाम को बहुत भयंकर उमस थी, फिर रात को अच्छा मौसम हो गया था, नहीं तो रोज उमस गर्मी इतनी भयंकर रहती है ना। अब कूलर भी कितना चलाया, मतलब ऐसे जी घबराता था, रात को भी नींद नहीं आती थी जब तक कमरा ठंडा नहीं हो जाता था ना, और उमस में कूलर आपको पता ही है कैसी हवा देता है, इसलिए तो चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत योगा। सूर्यदेव कितने अच्छे लग रहे हैं बादलों के बीच में, और ये किरणें निकली हुई है, तो मैं वेट ही कर रही हूँ कि धूप निकले, थोड़ी देर बैठो धूप में, पर कोई बात नहीं, ऐसा मौसम रहे तो कितना अच्छा लग। तो अभी झाड़ू पोछे कर लिए मॉर्निंग में, जल्दी कर लेती हूँ थोड़े, क्या है कि वैसे तो है ना ठंड है, कूलर चलाते हैं या पंखा चलाते हैं जब तो ठंड सी लगती है, मगर जब झाड़ू निकालते हैं ना तो ना पसीना लग जाते, उमस थोड़ी बहुत तो रहेगी जब तक अच्छे से बारिश नहीं आती, तो सुबह नीचे आती मैंने तो मतलब थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी खो के रखती हूँ, रात को वो खा लेती हूँ और दूध पी लेती हूँ, और फिर झाड़ू पोछे करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, ब्रेड सेक लेती हूँ मतलब बटर में, या फिर कुछ हेल्दी नाश्ता वाश्ता। बट अभी क्या है, मुझे भयंकर वाली भूख लगने लग गई, तो मैंने फटाफट मेरे लिए और रीवा के लिए दोनों के लिए ब्रेड सेक ली बटर में, तो अभी वही खाऊंगी। बाबू चिज्जी यम्मी यम्मी खा रहा है ना, हाँ। और ये मेरी, मैं सॉस वॉस नहीं लगाती, ओनली बटर के साथ ही सेक के और ऊपर बटर लगा के वैसे ही खा लेती हूँ। बाबू दिखाना किसके लिए लेके जा रहे हो पानी की बोतल, ये देखो ये वाला एक शर्ट मम्मी ने ऐसा सिला था, इसके नीचे सेम ऐसी ऐसी की निक्कर है, मरो क्या लास्टिक थोड़ा टाइट था। और अभी 4 बजे उठे तो हमारे तो क्या है कि मेरा कूलर ख़राब हो रखा था ना, मम्मी के कमरे में सोते थे तो कूलर सही करने के लिए आए हुए हैं, 2 दिन हो गए, तो आज फाइनली हमारा सही हो गया है। उमस इतनी हो रही थी ना दिन में, तो और बाहर आके देखा तो थोड़े बहुत छांटे भी आए थे, और मौसम बाहर तो बहुत अच्छा हो रहा है, अंदर ना उमस ही हो रही है। अब मम्मी कमरे में सोता है ना, नींद ही पूरी नहीं होती, नींद ही नहीं आती है, अपने कमरे से दूसरे कमरे में सोता है ना तो नींद आती है। मैं घर भी जाऊँगी ना तो 1-2 दिन तो मुझे मतलब सेट होने में लगते हैं, नींद ही नहीं आती, और उठते ही भूख लगी, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं ना
अभी फ़िलहाल मेरी सिचुएशन में सिचुएशन ऐसी है कि मुझे एक साथ भूख नहीं लगती, मुझे थोड़ी 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 करके ऐसे भूख लगती है। तो ऐसा होता है ना कि अपन धाप के रोटी खा लिए, तो वैसा सीन नहीं है। दो रोटी खाती हूँ फिर सो जाती हूँ, उठ के या तो दूध वूध पी लेती हूँ दूध के साथ में, या तो ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ वापस सुबह की जैसे, और कोई फ्रूट हो तो फ्रूट खा लेती हूँ, मगर फ्रूट भी खाने की इच्छा नहीं होती इसलिए। और अभी तो मम्मी क्या कल ही ब्रेड लेके आए थे शाम को, फिर मॉर्निंग में तो दो ब्रेड सेक के खा ली थी और अभी दूध ब्रेड खा रही हूँ। बहुत ही भूख लग रही है, सेकने का भी इतना वो नहीं हो रहा कि भाई सेकूँ भी इसलिए। शाम देखो कितनी अच्छी और ठंडी मस्त मस्त हवा चल रही है, ये सो रहे हो जाए। तो अभी दूध पीते मैं बाहर आ गई, मैं सोच रही हूँ कि अभी यहाँ तो इतना मज़ा नहीं आता, मगर जब मैं थोड़ा काम वाम फ्री कर लूँ नीचे फिर चलेंगे ऊपर, ऊपर ज़्यादा अच्छी हवा चलेगी। सूंड मड़ा के काम वाम करके मैं सोची थी ऊपर चलते हैं, ऊपर आते ही देखा तो बारिश आने लगी। चलो रेटू नीचे चले वापस, बारिश आ रही ऊपर, बीमार हो जाएंगे बेटा अपन। देखो बाबू ओ चल बेटा इधर घुमटी में बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम घुमटी। मम्मी चुपके से निकल गए पर इसने ना छत से देख लिया, नहीं क्या कर रहे हो ये, तो मम्मी को बोलते मम्मी भाग गई, मम्मी भाग गई। अरे क्या कर रहे हो बेटा, आजकल इसकी है ना खाने की एक ही फरमाइश रहती है, क्या खाना है बाबू को, क्या खाना है बाबू, क्या खाना है छोटा। छपाई नहीं करने, नहीं नहीं नहीं। तो जैसा कि आपने बोला था कि ना रीवा के मम्मी ने जो सूट सिले थे उसका कलेक्शन दिखाना, तो एक कुर्ता मम्मी ने हाफ स्लीव्स का ये वाला सिला था इसके गर्मियों में पहनने के हिसाब, एक ये जो वो हाफ पहनती है ना तो उसका एक मम्मी ने इसका कपड़ा ज़्यादा था तो पूरी मतलब एक पाजामा ही सिल दिया था बड़ा वाला इसके, और एक देखो ये वाला कुर्ता सिला था मम्मी ने इसके लिए फुल स्लीव्स का, और भी कई सिले मम्मी ने मगर उनकी फिनिशिंग अभी होनी बाकी है। एक ये है इसके दादी सा ने ना पलंग को थोड़ा सा ना टेढ़ा करके ना एक बार झूला झूला दिया, तो अब ना जिद करके बैठ गई है कि अभी टेढ़ा करो झूला झूलूंगी, तो मैंने इसको एक पाया तो इसके ऊपर कर रखा है पलंग पे मेरे, और एक पाया ऐसे ही लटका हुआ है, मस्जिद है कि नहीं झूला झूलना है, पिसल पट्टी क्या है बाबू ये पट्टी मजा आया अब बस रहने दो, नीचे कर दो पापा का पलंग। तो अभी शाम को तैयार होकर मैं थोड़ा बाहर, क्या है मौसम भी अच्छा हो रहा था और कई दिन हो गए घर में पड़े पड़े, ये क्या है दोस्त तो टाइम से नहीं आते थे, आज थोड़ा टाइम से आ गए तो बोले चल तेरे को बाहर घुमा के लाता हूँ। अच्छा हम आए एवरशाइन टावर में, इसके पापा जिद कर रहे थे कहना रीवा को थोड़ा सा है ना कई दिनों से इच्छा थी इसको तो मजे आते, डर नहीं लगता इसको तो कई दिनों से कहते हैं कि इसको झूला झूलाने लेके जाऊंगा झूला झूला, आपने दूसरा बोला ना इसलिए उतर गई, नहीं तो वो उतरती नहीं। दूसरा कौन सा खाएगा बाबू, अब इसके पापा इसको कार पे बैठाएंगे, हाँ ये ज्यादा अच्छी है। अब इसको है ना बाइक पे बैठना है कार से उतर के
नहीं बेटा बाइक में नहीं, बरसात आ रही है फिर। मैडम को यहाँ झूलना है। अब मैडम को यहाँ झूला झूलना है, बॉल खेलनी है। बेटा मजे लेती है तो तेरे पापा के साथ ही आती है, जब मैं तो नहीं झुलाती इतना। अगर मैं होती तो तेरे पापा ही जिद पूरी करते हैं इसकी। तो अभी हम आए हैं बर्गर किंग में, जाने वाले तो कहीं और थे बट क्या बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इसको झूला वूला झूलाने लगा। मैंने बोला पहले जहाँ जाना है ना वहाँ चल लेते हैं, बट उन्होंने बोला नहीं बारिश तो कहाँ आएगी इतनी, पहले रिवा को ऐसा करते हैं झूला झूला देते हैं, बहुत दिन हो गए झूला झूलाए। तो झूला झूलाने लगा, जितनी देर में बहुत तेज़ बारिश हो गई, तो है ना मैंने सोचा चलो और कभी चल लेंगे वहाँ। तो अभी अपन बर्गर किंग में कुछ खा लेते हैं, और इसका तो हमेशा जब भी पूछोगे ना तो पिज़्ज़ा बताएगी या फिर आइसक्रीम, बस ये दो चीज़ें पसंद है इसको। पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है इसको, कभी खिलाती नहीं हूँ वैसे मैं, बहुत कम चांस होता है कि मैंने इसको मतलब दो तीन महीने में कोई चार पाँच महीने में एक बार पिज़्ज़ा खिलाते हैं, बाकी नहीं खिलाती हूँ मैं। बस इसको पता ही नहीं कैसे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा। प्रेगनेंसी में तो मुझे बर्गर ही बर्गर पसंद आता था, बट ये भी महीने में एक या दो बार खिलाते थे बर्गर भी, पर पिज़्ज़ा तो मैंने नहीं खाया बट बहुत पसंद। बाबू को क्या खाना है? यहाँ पे आके भी आइसक्रीम खानी है बाबू को ना। ओ बाबू क्वीन बन गई, इसको पसंद नहीं है चीजें लगाना। चिड़ो ओकली दे, पापा लगा रहे ये देखो पूरा कंसंट्रेट इसका आइसक्रीम पे ही है। पिज्जा आइसक्रीम, बस ये दो चीजें जन्नत है इसके लिए।